भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के आधार पर निर्मित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर किया गया। इस अधिनियम में कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान अधिराज्य नामक दो स्वायत्त उपनिवेश बना दिए जाएंगे। ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। एक स्वतंत्रता के साथ ही 14 अगस्त को पाकिस्तान अधिराज्य, बाद में जम्हूरिया ए पाकिस्तान, और 15 अगस्त को संघ, बाद में भारत गणराज्य की संस्थापना की गई। इस घटनाक्रम में मुख्यतः ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रांत को पूर्वी पाकिस्तान और भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में बांट दिया गया, और इसी तरह ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत को पश्चिमी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और भारत के पंजाब राज्य में बांट दिया गया। इसी दौरान ब्रिटिश भारत में से सीलोन, अब श्रीलंका, और बर्मा, अब म्यांमार को भी अलग किया गया, लेकिन इसे भारत के विभाजन में नहीं शामिल किया जाता है। इसी तरह 1971 में पाकिस्तान के विभाजन और बांग्लादेश की स्थापना को भी इस घटनाक्रम में नहीं गिना जाता है। नेपाल और भूटान इस दौरान स्वतंत्र राज्य थे और इस बंटवारे से प्रभावित नहीं हुए। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को भारत और पाकिस्तान कानूनी तौर पर दो स्वतंत्र राष्ट्र बने। लेकिन पाकिस्तान की सत्ता परिवर्तन की रस्में 14 अगस्त को कराची में की गई, ताकि आखिरी ब्रिटिश वायसरॉय लुइस माउंटबेटन कराची और नई दिल्ली दोनों जगह की रस्मों में हिस्सा ले सके। इसलिए पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त और भारत में 15 अगस्त को मनाया गया। भारत के विभाजन से करोड़ों लोग प्रभावित हुए। विभाजन के दौरान हुई हिंसा में करीब 10,03,000 लोग मारे गए और करीब 1.46 करोड़ शरणार्थियों ने अपना घर बार छोड़कर बहुमत संप्रदाय वाले देश में शरण ली। दोनों पक्षों ने एक दूसरे से वादा किया कि वे दंगों के दौरान अपहृत और बलात्कार की गई महिलाओं को वापस लाने की कोशिश करेंगे। भारत सरकार ने दावा किया कि 55,000 हिंदू और सिख महिलाओं का अपहरण किया गया था, और पाकिस्तानी सरकार ने दावा किया कि दंगों के दौरान 12,000 मुस्लिम महिलाओं का अपहरण किया गया था। पहले के दंगों के विपरीत कलकत्ता में दायर एक एक्शन डे दंगों में महिलाओं को शिकार बनाया गया था। नोआखी हिंसा के दौरान कई हिंदू महिलाओं का अपहरण कर लिया गया था। 1946 में बिहार में मुसलमानों के नरसंहार के दौरान महिला विरोधी हिंसा हुई। पटना जिले में ही हजारों का अपहरण कर लिया गया। बिहार में हिंदू महिलाओं ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। 16 नवंबर 1946 में गढ़मुक्तेश्वर शहर में मुस्लिम भीड़ द्वारा हिंदू लड़कियों और औरतों को नग्न जुलूस और बलात्कार का शिकार बनाया गया था। अमृतसर में मुस्लिम ने नग्न महिलाओं की परेड की, जिनके साथ सड़क पर आग लगाने से पहले सार्वजनिक रूप से बलात्कार किया गया था। अधिकांश हिंदू और सिख महिलाओं ने इस भय से भारत वापस जाने से इनकार कर दिया कि उनके परिवार उन्हें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। वही डर मुस्लिम महिलाओं में था, लेकिन वे ज्यादातर अपने परिवार द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त की गई थी। भारत के ब्रिटिश शासकों ने हमेशा ही भारत में फूट डालो और राज्य करो की नीति का अनुसरण किया। उन्होंने भारत के नागरिकों को संप्रदाय के अनुसार अलग अलग समूहों में बांट कर रखा। उनकी कुछ नीतियां हिंदुओं के प्रति भेदभाव करती थी तो कुछ मुसलमानों के प्रति। 20वीं सदी आते आते मुसलमान हिंदुओं के बहुमत से डरने लगे और हिंदुओं को लगने लगा कि ब्रिटिश सरकार और भारतीय नेता मुसलमानों को विशेषाधिकार देने और हिंदुओं के प्रति भेदभाव करने में लगे हैं। इसलिए भारत में जब आज़ादी की भावना उभरने लगी तो आज़ादी की लड़ाई को नियंत्रित करने में दोनों संप्रदायों के नेताओं में होड़ रहने लगी। सन 1906 में ढाका में बहुत से मुसलमान नेताओं ने मिलकर मुस्लिम लीग की स्थापना की। इन नेताओं का विचार था कि मुसलमानों को बहुसंख्यक हिंदुओं से कम अधिकार उपलब्ध थे तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करती थी। मुस्लिम लीग ने अलग अलग समय पर अलग अलग मांगे रखी। 1930 में मुस्लिम लीग के सम्मेलन में प्रसिद्ध उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल ने एक भाषण में पहली बार मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य की मांग उठाई। तथ्य वांछित 1935 में सिंध प्रांत की विधानसभा ने भी यही मांग उठाई। इकबाल और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने मोहम्मद अली जिन्ना को इस मांग का समर्थन करने को कहा। तथ्य वांछित इस समय तक जिन्ना हिंदू मुस्लिम एकता के पक्ष में लगते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि कांग्रेसी नेता मुसलमानों के हितों पर ध्यान नहीं दे रहे।